तो आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले जिसने पिछले काफी सालों में हमें काफी सारे एंटरटेनिंग मोमेंट्स दिए और काफी हॉरेबल मोमेंट दिए है। तो मैं बात करने वाला हूँ कि इस दिवाली रिलीज होने वाली सबसे बिगेस्ट फिल्म एवर हॉरर कॉमेडी। और कॉमेडी की बात आती है तो भाई साहब काफी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको भूला नहीं जाता, और काफी सारे ऐसे भी मोमेंट्स होते हैं जिसमें उनका होना जरूरी हो जाता है कहीं ना कहीं। तो वैसी फिल्म जिन्होंने दो साल पहले यानी कि 2022 में बहुत ही तहलका मचा दिया था आते ही, तो मैं बात कर रहा हूँ भूल भुलैया 3 की। यानी कि इस दिवाली जो धमाके एक्चुअली में होने वाले हैं वो थिएटर्स में होने वाले हैं। यानी कि इस दिवाली काफी सारी ऐसी फिल्मों के सीक्वेंस आने वाले हैं जो हमने काफी इंजॉय किए है फास्ट में, तो उनके ही सीक्वेंस इस दिवाली रिलीज होने वाले हैं। और काफी सारी ऐसी भी फिल्में हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं। तो आज हम बात करेंगे उसकी रिलीज डेट, स्टार कास्ट और काफी सारी एक्साइटिंग चीजों के बारे में जिसको लेकर ये फिल्म इस साल की सबसे बिगेस्ट हॉरर कॉमेडी मूवी का टाइटल जीत सकती है। तो आज वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो फटाफट से मैं बात करता हूँ कि जैसे कि आप सबने देखा कि भूल भुलैया 2 के बहुत बड़े बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बाद काफी सारे लोगों ने एंजॉय किया है इस बॉक्स ऑफिस के पर्स के साथ, और उसी बॉक्स ऑफिस के पर्स को यूज करके भूल भुलैया 3 सीक्वेंस का तीसरा पार्ट बनाया जा रहा है। उसमें स्टार कास्ट में बता दूं तो कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, तृप्ति डिमरा, और इस बार जो नई एड है वो है माधुरी दीक्षित। तो माधुरी दीक्षित भी इस साल आपको भूल भुलैया 3 में देखने को मिल सकती है, और मैं उनको देखना चाहूंगा स्पेशली गोस्ट के रूप में यानी कि भूत के सीक्वेंस में। तो उसमें काफी मजा आएगा क्योंकि माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे देखने में बहुत मजा आएगा एक्चुअली में, और मैं दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ, और कार्तिक आर्यन का तो कौन नहीं फैन है भाई आजकल। तो फिर फटाफट से आ जाते हैं इसकी रिलीज डेट पे। तो ये फिल्म रिलीज होने वाली है November 1st को, यानी कि दिवाली के दिन धमाका देने वाली है बॉक्स ऑफिस में, क्योंकि इसका नाम ही सिर्फ काफी है। यानी कि आप सबने देखा होगा कि भूल भुलैया और भूल भुलैया 2 के प्रमोशंस और पिक्चर्स और टीजर्स में ही इतना सारा प्यार उनको मिल चुका है, तो फिल्म की तो बात क्या ही करें, क्योंकि फिल्म तो आते ही धमाका मचाने ही वाली। और आप सबको मालूम होगा कि भूल भुलैया 2 के मेगा सक्सेस के बाद टी सीरीज के ओनर ने कार्तिक आर्यन को मक्लेरन GT गिफ्ट की थी, वो उसका वर्थ रुपीज है हाल फिलहाल 4.5 करोड़ रुपीज। तो वो आप समझ लो कि वो फिल्म कितनी सक्सेस हुई होगी और उससे टी सीरीज के मालिक कितना खुश हुए होंगे, तो जिन्होंने कार्तिक आर्यन को इतनी महंगी गाड़ी सिर्फ गिफ्ट में ही दे दी ऐसे ही। तो उसमें काफी सारी मेहनत छिपी हुई होती है एक्टर्स की, डायरेक्टर्स की और प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के प्रोड्यूसर है टी सीरीज भाई साहब। टी सीरीज किसी भी जगह पे पहुंच जाती है भाई आजकल, कोई भी पिक्चर्स हो, सॉन्ग्स हो, यानी के कुछ भी हो, उसमें टी सीरीज प्रोड्यूसर होती ही होती है। और इसके डायरेक्टर है अनीस बज्मी, यानी के जिन्होंने वेलकम रिटर्न्स यानी के वेलकम बैक और जो भूल भुलैया 2 भी बनाई थी, वही डायरेक्टर भूल भुलैया 3 भी बनाने वाले हैं। तो मुझे काफी एक्साइटिंग चीजें याद आ रही है भूल भुलैया 2 की, तो वही चीजें मैं लेकर थिएटर्स में जाऊंगा और भूल भुलैया 3 देखूंगा। तो ये थी सारी चीजें, और जो आप काफी सारी और एक्साइटिंग चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो डू कमेंट नाउ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे पता है कि आपको कौन से नए नए टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। तो आई होप सो कि आपको ये सारी डिटेल्स जान के मजा आया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे न्यू वाले वीडियो के साथ। फिर सी यू।